बिहार विधानसभा 2020 के परिणाम अब लगभग लगभग सामने आ चुके हैं, और जैसा कि पूर्वानुमान था कि यूपीए को बढ़त मिलेगी और एनडीए इस बार पैकबुक पर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों में नेक टू नेक टक्कर है, और खासतौर पर बात करें पूर्णिया की, अरे इस वक्त पूर्णिया के कचहरी चौक पर आप देख सकते हैं कि किस तरह समर्थक अपने नेता का उम्मीदवार, अपने नेता का प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं, माला हाथों में लिए हुए, सड़क पर काफ़ी चहल पहल, और खासतौर पर प्रशासन की जाँच के बंदी दिखाएँ, और लगभग हर एक की निगाह टिकी हुई है महिला कॉलेज के मतगणना केंद्र पर, जहां से प्रत्याशियों के परिणाम आने हैं। पुणे कॉलेज मतगणना केंद्र पर ये जो कचहरी चौक है, इस चौक से दो रास्ते फूटते हैं, एक मतगणना केंद्र पूर्णिया कॉलेज की तरफ जाता है, दूसरा महिला कॉलेज की तरफ जाता है, और दोनों ही जगह पर ब्रज बनाए गए हैं, दोनों ही जगह पर मतदान किए जा रहे हैं। इसी तौर पर आप देख सकते हैं, मैं अपनी गुजारिश करूँगा कि किस तरह हाथों में माला लिए उनके प्रत्याशी अपनी इंतजार कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इनका। आप लोग अपने अपने प्रत्याशी के जीत की खुशी का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपके प्रत्याशी, अभी तो लगभग लगभग गणना संपन्न होने वाली है, तो क्या क्या लगता है जीत होंगे? कहाँ से हैं आप? बाईसी विधानसभा से। तो इस बार जो है कि वहाँ पे आमूल परिवर्तन होने जा रहा है, जो अब रुझान आ रहे हैं, परिवर्तन हो गया यहाँ, अमोर और बैसी के दोनों के उम्मीदवार के प्रत्याशी का इंतजार हो रहा है बेसब्री से माला लेकर, और वो इंतजार कर रहे कब उनके प्रत्याशी जीत का प्रमाण लेकर आए और वो उनके गले में माला डाले। हमने बात की वहाँ के समर्थकों से, अब बढ़ते हैं मतगणना केंद्र की तरफ। आइए करके